हेलो दोस्तों, वेलकम टू चैनल एस क्लब इन फैंटेसी। तो आज हम इसी में डिस्कस करेंगे केनिया वर्सेस नाइजीरिया के बीच में जो भाई T20 मैच खेले जाएंगे उसी के बारे में। तो यहाँ पर मैच टाइम देख सकते हैं, दोपहर के टाइम 12 बजे में मैच स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप लोग उसी हिसाब से एक्टिव रहिएगा। और दोनों टीम के बीच में टोटल 5 मैच की सीरीज़ थे, जहाँ पर ऑलरेडी 4 मैच हो चुके हैं। और 4 मैचेस के अगर रिजल्ट देखोगे तो 2 मैच केनिया ने जीते थे और 2 मैच यहाँ पर नाइजीरिया ने जीते थे। ठीक है, तो भाई 50-50 चल रहे दोनों टीम के बीच में। पहले 2 मैच केनिया जीते थे, उसके बाद जो भाई तीसरा और चौथा T20 मैच खेले गए थे वहाँ पर नाइजीरिया ने विन किए थे। तो भाई यहाँ पे आप किसी भी टीम को हल्का में नहीं ले सकते, लेकिन अगर ऑन द पेपर आप देखोगे तो भाई केनिया थोड़ा स्ट्रॉन्ग टीम है और हमेशा केनिया अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं एज़ कम्पेरिजन टू नाइजीरिया। लेकिन नाइजीरिया पे बहुत ही कमाल का भाई कमबैक किया है, तो नाइजीरिया के भी हल्के में मत लेना। ठीक है, तो भाई देखो कौन सा टीम इस मैच को विन कर सकते हैं, यहाँ पे कौन सा 11 खिलाड़ी आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगे, कौन सा प्लेयर या फिर क्या बेस्ट खिलाड़ी बेस्ट पिक बनेंगे और कौन सा खिलाड़ी को रोटेशन करना चाहिए, सब कुछ आपको वीडियो में क्लियर कर दिए जाएंगे। क्योंकि भाई देखो जब भी मैं ऐसे मैचेस को कवर करता हूँ आपको पता होगा कि स्मॉल लीग की टीम से मिनी ग्रैंड लीग ग्रैंड लीग भी विन हो जाते हैं। ठीक है, और मैं स्मॉल लीग की टीम से काफ़ी बार आप सबको ग्रैंड लीग भी जिता के दिया हूँ ऐसे मैचेस में। तो वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना, वीडियो बताया गया टिप्स को फॉलो कर लेना, ताकि आप लोग आराम से भाई स्मॉल लीग की टीम से या फिर दोस्तों 2-1 अलग से GGL की टीम बना के ग्रैंड लीग जीत सके। इस हिसाब से केनिया को मैं जीतना चाहिए, तो केनिया की तरफ से मैं यहाँ पे 50% दे के जा रहा हूँ। आप यहाँ पे भाई 50-50 मान के जा सकते हो, नाइजीरिया के मैं यहाँ पे 45% दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आप दोस्तों हम लोग दोनों टीम का कुछ स्कोर कार्ड देख लेते हैं जो ऑलरेडी इसी सीरीज में खेल रहे हैं, और भी अच्छे से पता चले कि कौन सा खिलाड़ी का क्या रोल है इस मैच में। मैच में देखो केनिया पहले बैटिंग करते 159 बनाए थे, या फिर नाइजीरिया 130 भी बना पाए थे। तो यहाँ पर देखो नाइजीरिया की तरफ से भाई एस रन से यहाँ पे 5 बनाए थे, इससे फिर देखो यहाँ पे सेलिम ने 26 बनाए थे, वाला यहाँ पे 5 ही बना पाए थे। फिर देख सकते हो डैनियल यहाँ पे 4 बनाए थे, डैनियल अच्छे पिक रहेंगे। फिर देखो यहाँ पे विंसेंट 6, फिर देख सकते हो यहाँ पर सिल्वेस्टर OKP यहाँ पे 29 बनाए थे, अच्छे खासा ऑलराउंडर है। फिर देखो मोहम्मद आयु यहाँ पे 3 बना पाए थे, प्रोसर उसानी 31 बनाए थे। फिर देखो पीटर राहु 13, ये भी एक अच्छे बॉलर अपन को जरूर लेके जाइएगा। ठीक है, केनिया की तरफ से बॉलिंग से पर्फेंस देखो लुकास ने पे 2 ओवर में 1 विकेट, फिर देख सकते हैं जेरॉल ने 3 ओवर में 2 विकेट, पीटर लैंगेट बहुत अच्छे बॉलर है 3 ओवर में 2 विकेट, सैम नगोचित 4 ओवर में 2 विकेट, विराज पटेल 4 ओवर में 2 विकेट, और ये दोनों कैपेसिटी का तगड़ी ऑप्शन रहेंगे भाई जब पहले बॉलिंग करेंगे तो दोनों को आपस में कैपेसिटी ट्राई कर लेना। फिर देखो नेल्सन ओदियम्बो 2 ओवर विकेट लेस, और पे देखो जे कुंडी ने 2 ओवर विकेट लेस। ठीक है, आइए केनिया की तरफ से बैटिंग से परफॉर्मेंस देखते हैं। ऋषभ पटेल 14 बनाए थे, फिर देख सकते हैं अपने नेल ने पे 28 बनाए थे, एन ओदियम्बो 20 बनाए थे, फिर देख सकते हैं सचिन पदक 50 रन बना के नॉट आउट थे, बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस की थी इस मैच, आप लेके जा सकते हैं, पार्ट टाइम बॉलिंग भी आपको दे सकते हैं। सुखदीप सिंह 5 बने थे, काफी नीचे आ रहे तो ड्रॉप कर देना। फिर देखो सैम नगोची 13, और यहाँ पे देख सकते हैं जैसराज कुंदी ने 21 बनाए थे। ये दोनों आपके पार्ट देखो स्पेशल, एक खिलाड़ी आपको पार्ट टाइम बॉलिंग भी देंगे और बहुत नीचे के बैटिंग, तो जब पहले बैटिंग तो आप उनको लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे ओलुच ने 3 रन बना पाए थे। फिर देख सकते हैं नाइजीरिया की तरफ से बॉलिंग से परफॉर्मेंस, पीटर राहु यहाँ पे 2 ओवर बॉलिंग किए थे, पीटर ही हुआ था इसके चलते उनको कंप्लीट बॉलिंग नहीं मिला था, लेकिन अच्छे बॉलर है। मोहम्मद आयु यहाँ पे 4 ओवर की कंप्लीट बॉलिंग करते विकेट लेस, प्रोस्पर उसानी 4 ओवर में 2 विकेट, फिर देखो सिल्वर से रोके भी बैटिंग बॉलिंग दोनों से आग लगा रहे भाई साहब, तो क्या बीसी बना सकते। फिर देखो यहाँ पर दोस्तों जोशुआ यासीन ने भी 2 ओवर विकेट लेस, बाकी नीचे यहाँ पर देख सकते इफे यानी यहाँ पर 2 ओवर में 1 विकेट, और भी भिनसे ने भी 2 ओवर विकेट लेस। ठीक है, दूसरे मैच की परफॉर्मेंस देखोगे तो नाइजीरिया पहले बैटिंग करते 136 ही बना पाए थे, और यहाँ पे केनी आराम से मैच विन किए थे। ऋषभ पटेल यहाँ पर दोस्तों मैच विनिंग पारी खेले थे, 66 बना के नॉट आउट थे। फिर देखो नेल ने यहाँ पर 17 बनाए थे, और पुष्कर शर्मा 10 बनाए थे, ऋषभ पटेल यहाँ पर देख सकते 14 बनाए थे, सचिन पोदा 12, फिर देखे सुखदम सिंह 9। नाइजीरिया की तरफ से बॉलिंग से परफॉर्मेंस, मोहम्मद आयु 3.2 ओवर में 31 रन देखे 1 विकेट, प्रोस्पर उसानी 3 ओवर में 2 विकेट, फिर देखो डैनियल ने 1 ओवर विकेट लेस, विंसन ने 4 ओवर में 1 विकेट, फिर देख सकते हैं अभी इफेन उबाया 4 ओवर में 2 विकेट, यहाँ पर देख सिल्वेस्टर के भी 2 ओवर विकेट लेस, और अभी जोशुआ यासीन ने 1 ओवर में विकेट लेस। नाइजीरिया की तरफ से बैटिंग से परफॉर्म देखो सुलेमान यहाँ पे 15 बनाए थे, फिर देख सकते यहाँ पर सलीम ने 21 बनाए थे। ठीक है, और यहाँ पर देखो ओलीगिन यहाँ पे 37 बना दिए थे, डैनियल ने 2 रन, विंसेंट 1 रन, सिल्वर स्टोकी भी यहाँ पर भी 24 बनाए थे, फिर देखो पुष्पर उसानी 2 रन, और पे मोहम्मद आयु ने 19 रन बनाए थे। तो ये दोनों भी क्या बेसिकली बहुत तगड़ा ऑप्शन रहेंगे, दोनों को आपस में ट्राई कर सकते हैं। केनिया की तरफ से बॉलिंग से परफॉर्मेंस, पीटर लैंगेट 4 ओवर में 2 विकेट, फिर देख सकते हैं मुतुआ 4 ओवर विकेट लेस, ओलुच यहाँ पे 2 ओवर विकेट लेस, विराज पटेल 4 ओवर में 1 विकेट, जसराज कुंदी 1 ओवर विकेट लेस, ऋषभ पटेल ने 4 ओवर में 1 मिनट के साथ 2 विकेट, और ऋषभ पटेल ने 1 ओवर बॉलिंग की। तो मैक्सिमम चांस की ऋषभ पटेल आपको बॉलिंग करते नजर नहीं आएंगे, एज एन बैटर खेलेंगे तो आप इनको ड्रॉप भी कर सकते, लेके भी जा सकते। ठीक है, की परफॉर्मेंस देख सकते हैं, केनिया पहले बैटिंग करते 149 बनाए थे, यहाँ पर भाई नाइजीरिया काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया था, और देखो आराम से मैच को विन किए थे। सुलेमान यहाँ पे 21 बनाए थे, सलीम ने यहाँ पर देखो 19 बनाए थे, फिर देख सकते हैं यहाँ पर ओलिक यहाँ पर 30 बनाए थे, इस तक यहाँ पे 6 रन, सिल्वेस्टर ओकेपी यहाँ पे 10 रन बनाए थे, विंसेंट ने भाई मैच विन कराया था, देख सकते हैं 18 गेंद में 41 रन बना दिए थे। लेकिन आपको हर दिन ऐसा परफॉर्मेंस नहीं देखने मिलेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना। प्रोस्पर हुसैन 8 ही रन बना पाए थे, मोहम्मद आयु काफी नीचे आए थे, लेकिन ये आपको ऑलराउंडर की भूमिका निभाते नजर आ जाएंगे नाइजीरिया की तरफ से। ठीक है, केनिया की तरफ से बॉलिंग से परफॉर्मेंस देखोगे तो लुकास ने पे 3 ओवर विकेट लेस, सैम नगोची 3 ओवर में 1 विकेट, फिर देखो जेरॉल ने यहाँ पर 4 ओवर में 3 विकेट, विराज पटेल 4 ओवर में 1 विकेट, रैकअप पटेल 3 ओवर विकेट लेस, और फिंचेस मुटुआ 2 ओवर में 21 रन देखे 1 विकेट।
केनिया की तरफ से बैटिंग से परफॉर्मेंस देखो, ऋषभ पटेल 21 रन, पुष्कर शर्मा 39 रन, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किए थे। नेल मुगा भी यहाँ पर देखो 16 बनाए थे, रिकॉभ पटेल 13 बनाए थे, सच 25। तो ये देखो भाई केनिया पहले बैटिंग, तो रिकॉभ पटेल आपके लिए क्या बीच से पिक रहेंगे, स्पेशली कैप्टन आप इनको बना सकते हैं, ठीक है। सैम नागोजी 15 ए भी कैप्टन के लिए बहुत अच्छा पिक रहेंगे। सचिन बुद्धा बॉलिंग कर नहीं रहे, एज एन बैटर खेलेंगे तो आप इनको लेके जा सकते हैं जब पहले बैटिंग, अदरवाइज ड्रॉप कर। यहाँ पे 13 बनाए थे 6 गेंदों में, ठीक है। यहाँ पर देखो नाइजीरिया की तरफ से बॉलिंग से परफॉर्मेंस, मोहम्मद तायो 3 विकेटलेस, प्रोफेसर हुसैन 2 ओवर में 25 रन, 1 विकेट। फिर देख सकते हैं यहाँ पर भाई उदय की यहाँ पर 4 विकेटलेस, ईशा को भी यहाँ पर देखो 3 ओवर में 2 विकेट, सिल्वेस्टर को भी 2 ओवर में 1 विकेट, जोशो एशिया 3 ओवर में 1 मिनट के साथ विकेटलेस, और भी भीमसेन ने 2 ओवर में 2 विकेट, ईशा दनअली यहाँ पर 1 ओवर में विकेटलेस। यहाँ पर देखो चौथा मैच जो खेले गए थे दोनों टीम के बीच में, तो नाइजीरिया फिर बैटिंग करते 158 बनाए थे, केन यहाँ पर चेस नहीं कर पाए थे। पुष्कर शर्मा 9 बनाए थे, फिर देख सकते हैं नेल ने यहाँ पे 0, सुखदेव सिंह यहाँ पर 37, ऑन रन पर उनको मौका मिले थे। रैकभ पटेल यहाँ पर देखो 12 रन बनाए थे, सचिन बुद्धा 38, जसवंत कुंदी 0, फिर देख सकते सैम नागोजी 17। बॉलिंग से परफॉर्मेंस देखोगे तो मोहम्मद तायू ने 2 विकेट, फिर देख सकते उदा किए 4 ओवर में 2 विकेट, ठीक है। यहाँ पर देख सकते इफान ने विकेट इनको नहीं मिले थे इस मैच में। ईसा को भी 4 ओवर में 1 विकेट, जसवा ऐसे यहाँ पर 4 ओवर में 1 विकेट, सिल्वेस्टर यहाँ पर देखो 2 ओवर में 2 विकेट चटका दिए थे। नाइजीरिया की तरफ से बैटिंग से परफॉर्मेंस देखो, सुलेमान ने क्या गजब का परफॉर्मेंस किया था, 60 रन बना दिए थे, सेलिम ने 42 रन, यानी दोनों ओपनर ने यहाँ पे बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किए थे। ईसा दान यहाँ पे 18 बनाए थे, भीमसेन ने 12, सिल्वेस्टर 2 रन, बाकी नीचे कुछ खास किया नहीं था। यहाँ पर देखो केनिया की तरफ से जेरॉल ने 4 ओवर में 1 विकेट, पीटर ने विकेटलेस, फिर देख सकते फ्रेंचिस यहाँ पर 3 ओवर में 2 विकेट, सैम नागोजी 3 ओवर विकेटलेस, विराज पटेल 4 ओवर विकेटलेस, उसका शर्मा 1 ओवर विकेटलेस, जसप्रीत कुंदी 1 ओवर विकेटलेस, और रिकॉभ पटेल 2 ओवर में 2 विकेट। रिपोर्ट की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पर आपको ना बैलेंस भी देखने मिलेंगे, स्पेशली बैटर्स को फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिलेंगे, लेकिन स्पिनर भी गेम में रहेंगे जिसको ध्यान में रखना, ठीक है। विकेट कीपिंग सेक्शन में देखो भाई यहाँ पे एस सलो एक बहुत अच्छे पिक रहेंगे, एस सनराइज अब इनको भी पैक कर सकते हैं, ये भी अच्छे खिलाड़ी है, ठीक है। सेलिम सनराइज जो कि अच्छे, सुलाइमान जो कि अच्छे खिलाड़ी है, और देख सकते हैं यहाँ पे 4 मैचेस में 3 बार ये ड्रीम टीम का हिस्सा थे, ठीक है, तो हम इनको लेके जा सकते हैं। सुखदेव सिंह का क्या है ना कि भाई ये काफ़ी नीचे बैटिंग कर रहे हैं, हालांकि लास्ट मैच में इनको 1 रन पर प्रमोट किए गए थे, तो भाई इनका जो बैटिंग लाइनअप निकल के आएंगे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर ये 1 रन पर फिर से मेन से रहेंगे तो मैं इनको पिक कर लूँगा। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं सेलिम भी अच्छे पिक रहेंगे, क्योंकि ये भी आप और देखोगे तो 4 मैचेस में 3 बार ये भी भाई ड्रीम टीम के हिस्सा थे, तो इन तीनों में से किसी को भी लेके जा सकते हैं। फिलहाल मैंने दोस्तों यहाँ पे एस सनराइज को, मैं यानी सुलेमान को मैं पिक कर रहा हूँ। यहाँ पर देखो सचिन बहुत इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, क्योंकि बहुत ही तगड़ा खिलाड़ी है भाई, ठीक है, पार्ट टाइम बॉलिंग भी करते हैं, हालांकि यहाँ पे बॉलिंग इन्होंने किया नहीं है, और ये भी देखो भाई 4 मैचेस में 3 बार ड्रीम टीम के हिस्से, तो अच्छे खासे पॉइंट भी दिलाए थे, ठीक है। स्पेशली केनिया पहले बैटिंग, तो मैं डेफिनेटली इनको पिक करके ही चाहूँगा। यहाँ पर दोस्तों आपको मिलेंगे 2 ऑप्शन बहुत ही बढ़िया केनिया के तरफ से, एक तो रहेंगे भाई देखो ऋषभ पटेल जो कि आपको मोस्ट पॉली ओपनिंग करते नजर आएंगे, लास्ट मैच में अभी नहीं खेले थे, तो इनको बिल्कुल लेके जा सकते, देख सकते 3 मैचेस के सीरीज में 1 मैच में तो तगड़ा परफॉर्मेंस कर दिया था भाई साहब ने, नॉट आउट किया 60+ रन बना के। उसका शर्मा भी आपको मोस्ट पॉली ओपनिंग पर बैटिंग करते नजर आएंगे और पार्ट टाइम बॉलिंग, तो इन दोनों में से जो भी खेलेंगे उनको पिक कर लेना मोस्ट पॉली। फिर ऋषभ पटेल खेलेंगे तो उनको लेके जा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं किसी को पिक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर एक और ऑप्शन रहेंगे नेल मुगा, आप इनको चाहते बैक कर सकते हैं, क्योंकि भी आपको पार्ट टाइम बॉलिंग दे सकते, लेकिन मैक्सिमम चांस की बॉलिंग करेंगे नहीं। ऋषभ पटेल खेलेंगे तो मैं इनको डेफिनेटली अपने टीम में पिक कर लूँगा, लास्ट मैच नहीं खेले थे तो इसी के चलते फिलहाल मैं पिक नहीं कर रहा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में यहाँ पर जैसे आओगे तो यहाँ पर आपको बहुत तगड़ा ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे देखो भाई रिकॉभ पटेल आपके लिए सेफ पिक रहेंगे और ऑटोमेटिक चॉइस रहेंगे, सिल्वेस्टर को भी मास्टर पिक रहेंगे, सैम नागोजी मास्टर पिक रहेंगे, भीमसेन भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे, फिर देख सकते हैं पुष्कर हुसैन ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। भीमसेन ने 1 मैच में तो काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस किए थे, देख सकते हो 130 पॉइंट दिए थे, ठीक है। बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको अच्छा खासा पॉइंट दिला सकते हैं। बाकी यहाँ पर पुष्कर हुसैन बहुत अच्छे पिक रहेंगे, स्पेशली बॉलिंग सबको अच्छा खासा पॉइंट दिला सकते हैं, जब पहले बॉलिंग तो डेफिनेटली पिक कर लेना, मैं इनको फिलहाल लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर देखो आई ओकोपी ये भी एक अच्छे खिलाड़ी है भाई, ठीक है, आप इनको भी लेके जा सकते हैं। देखो 2 मैच खेले थे, दोनों मैच में इन्होंने ड्रीम ड्रीम के हिस्से बने थे, तो लेके जा सकते हैं। जसवंत कुंदी आपको थोड़ा बहुत नीचे बैटिंग देंगे, लोअर डाउन में बैटिंग और 1 से लेकर 2 ओवर की बॉलिंग, तो आप चाहो तो बैक कर सकते, फिलहाल मैं पिक नहीं कर रहा हूँ। बॉलिंग सेक्शन में देखोगे भी यहाँ पर आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेंगे, विराज पटेल मेरे टीम में डिफॉल्ट पिक रहेंगे, फिर देखो भाई यहाँ पे मैं पिक करूँगा जेरॉल को, यहाँ पर मैं पिक करूँगा लैंगेट को, ये भी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो आप फ्रांचेस मुटो को पिक कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, फिर देखो आप आयुबा ये भी एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, एम अब्दुल्ला को भी आप पिक कर सकते हैं, ये भी बहुत ही तगड़ा ऑप्शन रहेगा। ऐसा देखो 4 मैच में 2 बार काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस किया था, तो यहाँ पर देखो ताइब मोहम्मद ताइबू और यहाँ पर दोस्तों भीमसेन, ठीक है, इन दोनों में से जो भी चाहिए आप उनको पिक कर लेना, या फिर आप दोनों को लेकर जा सकते हैं। फिलहाल मैंने दोनों को अपनी टीम में जगह दिया, ठीक है। कैप्टन वाइस कैप्टन अगर बात की जाए तो देखो भाई रिकॉभ पटेल में कैप्टन से दूंगा, क्योंकि कमाल का खिलाड़ी भाई, बैटिंग में दोनों सबको आग लगा के दे देंगे इस मैच में। सिल्वेस्टर को भी बहुत अच्छा ऑप्शन रहेंगे वाइस कैप्टनसी के लिए, सैम नागोजी बहुत अच्छा पिक रहेंगे वाइस कैप्टनसी के लिए, इन दोनों में से किसी भी खिलाड़ी को बना सकते हैं। फिलहाल मैंने वाइस कैप्टनसी यहाँ पर दोस्तों सोच रहा हूँ कि सिल्वेस्टर को या फिर सैम नागोजी किसको बना जाए, मैंने सैम नागोजी को बना रहा हूँ, ठीक है। आप चाहो तो सिल्वेस्टर को बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही तगड़ा ऑप्शन है। और अगर दोस्तों बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पर देखो विराज पटेल इंपॉर्टेंट बॉलर है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है, हमेशा विकेट लेके जाते हैं, तो इनको बना सकते हैं।
और अब आप चाहो तो भाई जीराल को भी बना सकते हैं। स्पेशली मैं धीराज पटेल की बात करूँगा, इनको आप डेफिनेटली बना सकते हैं, ठीक है। और जीएल की एक टीम में भाई इनको कैप्टन और इनको वाइस कैप्टन जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि दोनों अच्छे बॉलर है केनिया की तरफ से। तो देख सकते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में मैंने यहाँ पर दोस्तों सेलिम को पिक किया हूँ, फिर देख सकते हैं बैटिंग सेक्शन सचिन बुद्धा को पिक किया हूँ, ऑलराउंडर सेक्शन रिकॉप पैटेल सैम नेगोची, फिर देख सकते सिल्वेस्टर को पिक किया हूँ जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है वाइस कैप्टनसी के लिए, प्रोस्पर रोशनी को पिक किया हूँ, फिर देखो भिनसेन को पिक किया हूँ, यहाँ पर देख सकते मोहम्मद आइबू, फिर देख सकते हैं पीटर और फिर धीराज पटेल के साथ मैंने जीराल को पिक किया हूँ, ठीक है। तो दोस्तों फिलहाल आप इस टीम का स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा, बाकी जो भी चेंजेस होंगे जो भी बदलाव होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम पर अपडेट कर दिए जाएंगे। आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया मेरे भाई तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, इसी वीडियो की फर्स्ट कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, उसी लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा। और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रख लेना, क्योंकि आने वाले टाइम पर आपको बहुत क्वालिटी मैचेस की कवरेज इसी चैनल में मिलते रहेंगे बिल्कुल फ्री में, और आप लोग लाखों में विन करते जाओगे। और दोस्तों अगर आपको स्मॉल लीग यानी 3-4 मेंबर लीग खेल के आपको लाखों में विनिंग करना है तो आप बूम 11 एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लो, इसी वीडियो की फर्स्ट कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में, स्पेशली डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस लिंक से डाउनलोड करके आप तुरंत खेलना स्टार्ट करो तो आपको पता चलेगा कितना शानदार एप्लीकेशन है भाई। ना तो GST लगेंगे ना तो TDS लगेंगे, एक रुपया भी आपको TDS नहीं कटेगा, एक रुपया भी आपको GST पे नहीं कटेगा, जितना विनिंग करोगे उतना ही भाई आप विड्रॉल कर पाओगे, वो भी 2 मिनट के अंदर भाई आपका पैसा आपके बैंक में आ जाएंगे। इससे बेहतरीन एप्लीकेशन आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे, कमीशन फीस सबसे कम है, डाउनलोड करके देख लो और खेलना स्टार्ट कर दो, फिर आपको पता चलेगा कि फैंटेसी का असली मजा तो भाई यही पे थे। तो आज से मिस मत करना, जल्दी से डाउनलोड करो, आज से ही मौज करना स्टार्ट कर दो। चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक बाय।